अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आप कैसे, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से और ठीक होंगे। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो है वेदर के हिसाब से, मतलब कि गर्मी के हिसाब से आज वीडियो बना रहा हूँ कि गर्मी के मौसम में कौन सा पानी कबूतरों के लिए इस्तेमाल कराएं जिससे कि कबूतरों को गर्मी कम लगे और कबूतर फिट रहें और नॉर्मल कंडीशन में रहें। क्योंकि कई भाइयों के मेरे पास व्हाट्सएप पे कमेंट्स थी और भाइयों ने कहा कि हम ग्लूकोन डी दे सकते हैं कबूतरों को, तो वो बिल्कुल दे सकते हैं जी, बिल्कुल दे सकते हैं। ठीक है, तो आज जो पानी बताने जा रहा हूँ वो देसी और किस तरह बनाना है वो भी बताऊँगा मैं आपको। तो वीडियो को जो भी भाई देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जो भी मेरे नए भाई हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। ये पानी किस तरह बनाना है और कौन से कितने टेम्परेचर में, 45, 44, 43, इस पानी को 42 से ऊपर जितना भी टेम्परेचर हो उस टेम्परेचर में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये गर्मी में इस्तेमाल करने वाला पानी है। ठीक है दोस्तों, इससे कबूतर जो है फिट रहेंगे, नॉर्मल कंडीशन में रहेंगे और सही रहेंगे। तो दोस्तों ये मैं आज आपको ठंडा पानी बता रहा हूँ गर्मी के हिसाब का। ठीक है दोस्तों, क्या क्या इसमें सामान होगा वो आप नोट कर लें। सबसे पहले कोई मिट्टी का मटका ले लें, या मटका ना हो तो तकरचा ले लें जो आपका बड़ा हो, जिसमें 3 लीटर कम से कम उसमें पानी आ जाए सादा। करना क्या है, शाम को आप वो बर्तन लेंगे। ठीक है, उस बर्तन में आपको चीज़ें या तो आप पोटली में बांध के, सूती कपड़े में बांध के उसमें डाल सकते हैं, या ये नहीं करना चाहते तो आप नॉर्मल उसमें खुद ऐसे ऊपर से डाल सकते हैं। ठीक है, क्या क्या सामान है वो आप नोट कर लें। सबसे पहले इसमें डलेगा साबुत धनिया। ठीक है, साबुत धनिया 2 चुटकी, 2 चुटकी साबुत धनिया, 2 चुटकी सौंफ, 2 इंच का टुकड़ा मुलेठी का, 2 चुटकी अनारदाना। ठीक है, और इसमें 2 इलायची, उनका मुंह खोल के वो डाल दें। ठीक है, और ऊपर से 1 चुटकी गुलाब के फूल। ठीक है नहीं, और जी ग्लूकोन, जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोन डी होती है, उसका चौथाई हिस्सा, चम्मच का जो चौथाई हिस्सा है वो उसमें डालना है, चौथाई हिस्सा पाउडर लेके वो डालना है उसमें, रात भर रखा रहने देंगे। ठीक है, 2 से 2.5 लीटर पानी में, इसमें से आधा पानी जब भी आप सुबह को खोलो कबूतर तो आधा पानी इसमें से लेंगे और वो उन दूसरे कुंडे में आप डाल देंगे, उसमें सादा पानी डाल सकते हैं 0.5 लीटर बस। ठीक है ना, और ये कबूतर को पिलाएंगे, अगर ये पी ले एक ही टाइम में सारा तो आप वो जो पानी जो बाकी बचा होगा वो भी आप शाम में इस्तेमाल करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये पानी था ठंडा, नॉर्मल कंडीशन कर देगा कबूतर की और कबूतर रहेगा फिट। और ये था पानी। तो कैसा लगा वीडियो, वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों पे शेयर कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।